हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल रूल, ठीक है, जिसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस रूल को। जैसे कई बार क्या होता है कि आप दो तीन तरह से चीज़ों को बोलते हैं, जैसे कोई काम होता है या आप काम करते हो या आप किसी से काम करवाते हो। जैसे मैं खेलता हूँ, ठीक है, या मैं किसी से कोई गेम खिलवाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये मैं खाना खिलाता हूँ, या फिर मैं खाना किसी और से किसी और को खिलवाता हूँ। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो इस तरह से, तो आप एक तो सेंटेंस बना लोगे जो पहला वाला है, जैसे हम कोई काम करते हैं, वो ग्रामर के हिसाब से आप बना लेते हो। कई बार लोग टेंस जानते हैं तो वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन टेंस जाने के बावजूद भी जो मैं काम करवाने की बात कह रहा हूँ, आप वहाँ फंस जाते हो। तो मेन पॉइंट है कि आप कैसे पहचानोगे या सेंटेंस को देख के आप कैसे जानोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको रूल को समझना पड़ेगा, रूल को जानना पड़ेगा। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए गाइस, कंफर्म करने के लिए आप इस वीडियो को फुल वॉच करिए, पूरा वॉच करिए। आपको यहाँ पर मैं भी एग्जांपल्स समझाऊंगा, ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो रूल होता है पहला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अगर ऐसा है, ऐसा आपको दिखता है सेंटेंस में कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर यह होगा कि कोई काम आप करते हो, जो सब्जेक्ट है, जो करता है, करने वाला, वो काम करता है, या फिर कोई काम होता है। जैसे इट रेन्स, वर्षा होती है, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, यहाँ पर कोई कर नहीं रहा है, वो हो रही है, ठीक है। या फिर आई प्ले, यू प्ले, सी प्लेज, वह खेलती है, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, सी जो वो करता है। तीसरा काम होता है कि मैं किसी से वो काम करवाता हूँ, मैं कोई गेम खिलवाता हूँ, ठीक है, तो वो अलग कंडीशन है। उसके लिए क्या रूल होता है समझिए, यदि आप किसी पर्सन से, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पर्सन की, ठीक है, जैसे हम मेक का यूज़ करते हैं या मेड का, ये एक पॉजिटिव वर्ब होती है, ये एक नहीं करीब तीन चार होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक की बात करूँगा, मेक की। तो मेक का यूज़ कब करते हो, जब आप कोई चीज़ किसी पर्सन से करवाते हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट जो करवाने वाला है, जैसे आप या मैं, ठीक है, मैं आपसे इंग्लिश पढ़वाता हूँ, ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया मैं, और आप हो गए ऑब्जेक्ट। तो इसे कैसे बोलेंगे, आई मेक यू, ठीक है, आई मेक यू, फिर लगा देंगे वर्ब, पढ़वाने को स्टडी या फिर रीड बोलेंगे आप, ठीक है, आई मेक यू रीड, या फिर मैं आपको इंग्लिश सिखवाता हूँ, ठीक है, किसी और से मान लीजिए, तो किसी भी माध्यम से, तो आई मेक यू लर्न इंग्लिश, ठीक है, वहाँ पर मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं तो सिखवाता हूँ, तो ये कंडीशन अलग हो जाती है। आप बोलेंगे आई मेक यू लर्न इंग्लिश, तो मैं आपको इंग्लिश सिखवाता हूँ, उसमें मेरा रोल नहीं है, मैं किसी और से करवाता हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस आप पहचान जाएंगे जब उसमें मेक या मेड का प्रयोग होगा। तो इस रूल को, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें। तो चलिए आगे हम आपको कई सारे एग्जांपल के माध्यम से इस चीज़ को समझाते हैं, ठीक है। तो आप रुकिए, धैर्य करिए, आपको यहाँ पर अभी कई सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे और वर्ड्स सेंटेंस भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला वर्ड है फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, उड़ाना और उड़वाना, आप तीनों तरह से इसका यूज कर सकते हो। तो इसका पहला मतलब है उड़ना, जैसे पतंग उड़ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, आप बोल दिए कि वो उड़ रहे हैं, वो अपने आप उड़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई उड़ा नहीं रहा है। तो आई वॉन्ट टू फ्लाई इन स्काई लाइक अ बर्ड। लाइक अ बर्ड मतलब एक पक्षी की तरह है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू फ्लाई, उड़ना, तो यहाँ पर फ्लाई का अर्थ क्या आ रहा है, उड़ना, ओके। नेक्स्ट है उड़ाना, तो ये उड़ाना अलग बात हो गई। आई लाइक टू फ्लाई काइट्स, मैं पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ, ये मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये एक्शन जो है आपके द्वारा हो रहा है, आप कर रहे हो, आप यहाँ पर सब्जेक्ट हो, ठीक है। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई लाइक टू फ्लाई, उड़ाना, तो मैं उड़ाना पसंद करता हूँ, तो यहाँ अर्थ आ रहा है उड़ाना, वहाँ अर्थ आ रहा है उड़ना, ठीक है, फ़र्क आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो एक वर्ब है, क्रिया है, उसका हम प्रयोग जो है तीन तरह से कर सकते हैं, तीन सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है उड़वाना,
इसे कैसे बनाएंगे, जैसे हम किसी से यह जहाज़ सॉरी हमें यहाँ पर होना चाहिए, हमें किसी से यह जहाज़ उड़वाना है, ठीक है, या कोई काम मुझे इसे करवाना है, किसी पर्सन से किसी व्यक्ति से करवाना है, ठीक है। तो वी हैव टू मेक समवन फ्लाई दिस प्लेन, क्योंकि उड़वाना है करवाना है तो हैव टू का यूज़ करते हैं, हैव टू का या हैज़ टू का, तो वी के साथ हैव आएगा, आई वी यू, दे के साथ हैव यूज़ करते हैं। तो वी हैव टू, हमें करना है करवाना है, वी हैव टू मेक, मेक लगा दिए ना तो इसका मतलब करवाना है, आई हैव टू मेक, वी हैव टू मेक समवन, कोई भी है, यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे आप राहुल है, विवेक है, ही है, सी है, तो वी हैव टू मेक राहुल फ्लाई दिस प्लेन, तो मुझे इस प्लेन को राहुल से उड़वाना है। तो अब यहाँ पर वर्ब को चेंज कर दोगे तो आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, 10, 20, 50, 100, तो हो सके तो आप भी कुछ सेंटेंस बना के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रैक्टिस के तौर पे, यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप सेंटेंस बनाइए और उसको कमेंट जरूर करिए, ठीक है, अगर गलत होगा तो उसको हम सही कर देंगे, ठीक है, यदि अच्छा है तो लाइक कर देंगे, ठीक है, तो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्राई, ठीक है, अब हम क्राई को भी देखेंगे तीन तरह से, एक रोना, रुलाना और रुलवाना, होता है ना कई बार आप बच्चों को किसी से रुलवाते हो, आप रुलाते नहीं हो, दूसरों से कह के आप रुलवाते हो, ठीक है, परेशान करवाते हो, या फिर आप स्वयं रुलाते हो, तो दो तीन कंडीशन है, ठीक है, देखिए जैसे मुझे रोना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू क्राई, तो यहाँ पर क्राई का मीन्स आ रहा रोना, मुझे खुद रोना पसंद नहीं है। नेक्स्ट फिर है रुलाना, इसमें आप किसी को रुलाते हो, ठीक है, आई डोंट लाइक टू मेक समवन क्राई, आई डोंट लाइक टू मेक समवन क्राई, किसी को रुलाना, इसलिए मेक आ गया ना, आप वो एक्शन जो है किसी पर कर रहे हो, तो किसी को आप ऐसा बना रहे हो, आई डोंट लाइक टू मेक समवन, किसी को भी क्राई करना, रुलाना मुझे पसंद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, रुलवाना, यानी यहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है, वहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, यहाँ पर रोहन ने राम को रुलवा दिया, यानी किसी से वो करवा दिया, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली वो करवाया है, तो रोहन मेड राम क्राय, ठीक है, रोहन मेड राम क्राय, यहाँ पर मेड मेक का सेकंड फॉर्म है, चूँकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, ठीक है, तो आपको मेक की जगह मेड यूज करना है, ओके, इस तरह से आप सीखिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसका यदि आप PDF चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर इसका PDF फॉर्म पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप बेकायदे इसका PDF डाउनलोड करके इसको आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है काटना, कट यानी काटना, टू कट सेल्फ, कोई चीज़ होती है ना जो कट जाती है, या आप किसी को काटते हैं या फिर किसी से कटवाते हैं, तो यहाँ पर तीन तरह से इसका यूज करना आप सीख जाएंगे। पहला काम है द पिज्ज़ा इज कट ऑलरेडी इन स्मॉल पीसेस, तो यहाँ पर कट का मतलब होगा कटना या कटा हुआ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ देखिए एक बात और है, कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट, जैसे पुट 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 होता है, ठीक है, द पिज्ज़ा इज कट, यहाँ पर कट एक्चुअल में थर्ड फॉर्म उसका है, ठीक है, जब पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो इज एम आर के बाद भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि द पिज्ज़ा इज कट, यहाँ पर कट थर्ड फॉर्म है, यानी जो पिज्ज़ा है वो कटा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से इन स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में। नेक्स्ट है काटना, अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होगा, कोई व्यक्ति होगा जो उस काम को करेगा, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, नाउ आई हैव टू कट वेजिटेबल, तो अभी मुझे वेजिटेबल्स को काटना है, आई हैव टू कट, तो यहाँ पर कट का मीन्स आ रहा काटना, यानी कोई सब्जेक्ट करेगा, वो एक्शन लेगा, वो ऐसा करेगा, तो आई हैव टू कट,
मुझे काटना है, आई हैव टू प्ले मुझे खेलना है, ठीक है, आई हैव टू मेक मुझे बनाना है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइए, बहुत सारा सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए, ठीक है। यू नो ऑलरेडी की प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, ठीक है, तो प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें किसी को बोल कर यह काम, सॉरी, यह घास कटवानी है, कटवानी है, कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है कि यह काम करवाना है। यू हैव टू टेल समवन, तुम्हें किसी को कहना है, यू हैव टू टेल समवन टू गेट दिस ग्रास कट। तो यहाँ पर कट का मतलब क्या आ रहा है, कटवाना हो रहा है। यहाँ पर भी जो कट है ना, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि अगर गेट के बाद मैंने बताया था कि गेट का प्रयोग करते जब किसी ऐसी चीज़ की बात आती है जो कि पर्सन ना हो, जो व्यक्ति ना हो, ठीक है, जो एक व्यक्ति ना हो, मैन ना हो, जैसे ग्रास यहाँ पर कोई चीज़ है ना, कोई व्यक्ति नहीं है, तो उस कंडीशन में हम गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि मेक के अलावा भी कॉजिटिव वर्ब और होती हैं, जैसे हेल्प है, गेट हैव है, उसी तरह से मेक भी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर मेक को हम समझ रहे थे, फिर भी यहाँ पर आ गया है तो इसको आप समझ लो कि यू हैव टू टेल समवन, किसी को कहना है तुम्हें ये काम करने के लिए, यू टू गेट दिस ग्रास कट, इस घास को कटवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है ओपन। ओके, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट इसका यूज देखिए, पहला यूज होता है खोलना, सॉरी खुलना, जैसे दिस डोर शुड नॉट बी ओपन्ड, तो यह दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए, खुलना नहीं चाहिए इस दरवाजे को, ठीक है ना। और द डोर इज़ ओपन, तो डोर क्या है, खुला हुआ है, तो यहाँ पर खुलने का अर्थ है, ठीक है, द डोर इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है खोलना, वहाँ तक खुलना, खुला हुआ है, यहाँ पर है खोलना, यानी जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन उसको एक्शन को करेगा, उस एक्शन को करेगा डायरेक्टली, तो राम हैज़ ओपेंड दिस बॉटल, इस बॉटल को राम ने खोल दिया है, या राम ने खोला है, तो यहाँ पर खोलने का अर्थ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर खुलने का था। तो इस पॉइंट को, इस बारीकियों को आप समझिए, ठीक है, तभी आपका तो जो इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। ओके, खुलवाना, आइए देखिए, जैसे आप किसी से दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, या कोई और काम करवाना चाहते हैं, तुम कल राकेश को बोलकर दुकान खुलवाना है, तुम्हें खुलवाना है, यू हैव टू टेल राकेश, तुम्हें राकेश को कहना है टू ओपन द शॉप टुमारो, कल, ठीक है, आने वाला कल, फ्यूचर में आप, तुम्हें यह काम जो है शॉप को खुलवाना है। तो यहाँ पर जो ओपन का अर्थ है वो खुलवाने से है, टू ओपन द शॉप टुमारो, दुकान को खुलवाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है डाई, डाई मिस हो जाता है मरना, मारना या मरवाना, यहाँ पर आप समझोगे कि हम डाई को अलग अलग तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लगता है कि इस सेंस में आपको ग्रामर जो है सीखना चाहिए, और ग्रामर के कोई भी टॉपिक्स है जो आपको प्रॉब्लम करते हैं, तो आप कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बिकॉज मैं यहाँ पर आपकी समस्याओं को, इंग्लिश की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए ही हूँ। ओके, यू नो दिस थिंग ऑलरेडी। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है डाई मिस मरना, ठीक है, हम सबको एक दिन मरना है, तो यहाँ पर डाई का अर्थ है मरना, वी ऑल हैव टू डाई वन डे। नेक्स्ट है मारना, यानी आप कोई और उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो कर रहा है, तो क्या तुम्हें लोगों को मारना मारना अच्छा लगता है, तो डू यू लाइक, क्या तुम्हें अच्छा लगता है टू बीट या टू मेक देम डाई, ठीक है, बीट का अर्थ भी होता है मारना या पीटना अदर पीपल। नेक्स्ट है मरवाना। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है मरवाना। क्या तुम्हें पता है रमेश ने किसी से रोहित को मरवा दिया, ठीक है, तो डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, एक ही बात है, दैट कि रमेश हैज़ गॉट रोहित किल्ड। अब यहाँ पर हैज़ गॉट आ गया, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो किल है
उसका अर्थ मरवाना है। आप इस सेंस में डाई का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। डू यू नो दैट रमेश रमेश हैज मेड रोहित किल्ड, यानी रोहित को उसने मरवा दिया है, खुद नहीं मारा है मरवा दिया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा कि आप इसको बनाएंगे रमेश हैज गॉट रोहित किल्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपकी ये वीडियो पूरी हुई, कंप्लीट हुई, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे कहा है, आई थिंक आप लोगों ने उन बातों को सुना है, समझा है। आगे आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना राय है, जो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आगे हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।